नमस्कार दोस्तों, सरीसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं। आज के पार्ट में हम देखेंगे कैसे कॉपी करें टेबल को विदाउट डेटा। तो दो तरीके से हम कॉपी करेंगे, विदाउट डेटा, स्क्रिप्ट जनरेट करके जिसमें हमें कोड नहीं लिखना होगा और कोड लिख के भी। तो सबसे पहले ये मान लीजिए टेबल है हमारी, TRN टेबल है कंपनी डेटाबेस के अंदर। पहला तरीका देख रहे हैं हमें, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम TRN। ये देखिए, ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल में बहुत सारा डेटा है आपको दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हम ये डेटा कॉपी ना करें और टेबल हमारे फील्ड्स कॉपी हो जाएं। ये सिर्फ फील्ड्स, फील्ड्स के नाम, उनका डेटा टाइप वगैरह। जैसे देखिए यहाँ पे टेबल है, इसके अंदर ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स कॉपी हो जाएं पर इनका डेटा ना आए, ये रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए कोड लिखते हैं हम पहले तरीके से, और दूसरे तरीके से हम स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। हमने टेबल बना ली TRN 2018, एक कंपनी डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर ही रखा है। सेम डेटाबेस से हम देखते हैं TRN टेबल से TRN 2018 टेबल हम बना रहे हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे डिफरेंट डेटाबेस से हम कैसे यही काम करें। जो हमारी ये क्वेरी है इससे तो डेटा भी आ जाएगा और कॉलम भी आ जाएंगे, बस यहाँ पे आपको एक कंडीशन देनी है जो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, वेयर 1 = 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो 1 और 1 = 2 तो कभी हो नहीं सकता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मतलब डाटा कुछ नहीं आएगा। वेयर कंडीशन लगा के हम डाटा फिल्टर करते हैं ना कि हाँ भाई ये डाटा आना चाहिए, तो वो फिल्ट्रेशन होगा नहीं क्योंकि कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, कोई डाटा आएगा नहीं। अब एग्जीक्यूट कर दिया इसको हमने, 0 रो इफेक्टेड, क्योंकि कोई भी रो आई नहीं। अब हम ये डेटा एक बार देख लेते हैं, ये हमने TRN इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए TRN 2018 टेबल, ये वाली टेबल आ गई यहाँ पे। हमारी टेबल की फुल डेफिनेशन आ गई विदाउट डेटा। अब डिफरेंट डेटाबेस में करना चाहते हैं आप, तो सेम कंडीशन आप यहाँ लगा दीजिए, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना है आपको, अगर आप दूसरे डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में कर रहे हैं। कंपनी डेटाबेस के अंदर 2020 नाम का एक डेटाबेस बना ले, 2020 नाम की एक टेबल बना लेते हैं। डेटाबेस से देखिए 0 रो इफेक्टेड, और यहाँ हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे 2020 नाम का एक हमारा टेबल आ गया। देखिए ये टेबल हमने बना ली दूसरे डेटाबेस से, विद इन द डेटाबेस एंड आउटसाइड ऑफ द डेटाबेस, दोनों तरीके से हमने ये टेबल बना ली। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि क्वेरी हमें ना लिखनी पड़े, जनरेट कर लें स्क्रिप्ट कैसे होगा। ये देखिए हमारी टेबल है, हम यहाँ पे जाते हैं राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट टेबल एस। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखिए क्रिएट टू, ड्रॉप टू, बहुत सारे ऑप्शंस, इन सब की स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके मिल सकती है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखिए न्यू क्वेरी एडिटर विंडो, नई क्वेरी एडिटर खुल जाएगी, फाइल में सेव हो जाएगा, क्लिपबोर्ड पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और एजेंट जॉब मतलब कि उसका जॉब बनाने के काम में भी आ सकता है। जॉब आपको पता नहीं है तो जो मेरे वीडियोस हैं ऑटो शेड्यूल डेटाबेस वाले, उनमें कैसे जॉब बनाया जाता है वो आपको देख सकते हो वो वीडियो आप। स्क्रिप्ट हम सबसे पहले कैसे करके देखते हैं, न्यू क्वेरी विंडो, जैसे ही मैंने करा तो देखिए एक नई क्वेरी विंडो खुल गई और पूरा कोड आ गया उसका। क्रिएट टू करा था तो क्रिएट का कोड आ गया पूरा, क्रिएट टेबल का। तो आप इस कोड में जो भी बदलाव करना चाहते हैं, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ नाम चेंज कर दीजिए, नई टेबल बन जाएगी आपकी विदाउट डेटा। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, TRN 3000 नाम की एक टेबल यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये देखिए आ गई टेबल, ये हमने देखा, देखिए कैसे स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं बगैर कोड लिखे हुए। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कोड लिखना ही नहीं पड़ता और आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो जाती है, यानी कोड जनरेट हो जाता है और उस कोड में आप कुछ भी मैनिपुलेट कीजिए। और भी बहुत सारे कोड हैं, ड्रॉप टू हम को देख लेते हैं, क्लिपबोर्ड के जैसे देख लेते हैं, क्लिपबोर्ड करोगे क्लिपबोर्ड पे आ गया, कंट्रोल वी करा पेस्ट हो गया वो कोड। डिलीट का कोड देखते हैं, अब इसमें दूसरे ऑप्शन से दिखाता हूँ आपको, जैसे कि फाइल, फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा और आप जो कोड आप ले रहे हो वो एक फाइल में सेव हो जाएगा।
ये देखिए फाइल आ गई हमारी, क्लिक करें आपकी फाइल खुल गई, डिलीट का कोड आ गया इसमें। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। तो इस तरीके से हम क्रिएट, ड्रॉप, सिलेक्ट, इंसर्ट सबकी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ हमारा टॉपिक है वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।